जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूँ समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में, और आप सभी के लिए निरंतर निरंतर जो है रेगुलरली क्लासेस ला रहे हैं। और चलिए मेरे साथ जुड़ जाइएगा, क्लास नंबर 3 आपके समक्ष है, बॉटनी। काफ़ी सारे बच्चों को बॉटनी और जूलॉजी दोनों ही जो है अलग अलग पढ़ना था, तो आप सभी साथियों के लिए बॉटनी अलग और जूलॉजी अलग, आपको जो फिजिक्स अलग और आपका केमिस्ट्री भी आज का वीडियो अपलोड होने वाला है। तो आप सभी के गाइस आपके 120 मार्क्स तो समाधान स्टडी आपको डेफिनेटली दिलवाएगा। कितने? 120 मार्क्स। क्लासेस को रेगुलर लीजिएगा, प्रतिदिन आपके लिए क्लासेस अपलोड हो रही है, और आप सभी का जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है और बहुत ही शानदार तरीके से प्रिपरेशन बिल्कुल करवाई जाएगी। तो चलिए मेरे साथ जुड़ जाइएगा, हम लोग करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। और आप लोग प्रतिदिन और सारे के सारे जो है क्लासेस ज़रूर देखना है। तो देखिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, जरा क्वेश्चन को क्या बोला गया है और क्वेश्चन में क्या बोला गया है इसके लैंग्वेज को समझते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर के पुनः चक्रीकरण में महत्वपूर्ण कार्य करता है? पुनः चक्रीकरण में महत्वपूर्ण कार्य करता है। देखिए, जो रासायनिक संश्लेषण स्वपोषी जीवाणु होते हैं, जो रासायनिक संश्लेषण जो है स्वपोषी जीवाणु होते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी दिया है, इसके इसमें जो है अनेक अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। क्या होते हैं? इसमें अनेक जो है अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आपका जो है नाइट्रेट और आपका नाइट्राइड अमोनिया ऑक्सीकरण करते हैं। क्या आपका नाइट्रेट है ना, आपका नाइट्रेट है, नाइट्राइड है और आपका अमोनिया, ये तीनों ही ध्यान रखना है, ऑक्सीकरण करते हैं। और यह जो है ऊर्जा किस रूप, किस फॉर्म में? आपका ATP के फॉर्म में। आपने देखा है एक अमोनिया होता है, एक अमोनियोटेलिक है, आपका यूरिकोटेलिक है, ये सारे के सारे उत्सर्जन करते हैं ना, बस वही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आते हैं आगे, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपको सिट्रिस कैंस, आपका कैंकर है, सिट्रिक कैंकर है, विषाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है, कवक जनित रोग है या फिर प्रोटेस्टा जनित रोग है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो आपका सिट्रिस कैंकर है। कौन सा रोग सर जी? जो आपका सिट्रिस कैंकर रोग जो होता है, यह एक क्या है आपका नींबू कुल, मतलब जो आपका सिट्रिस पता है आपको कि नींबू का नाम जो है क्या होता है, हम लोग सिट्रिक कहते हैं, तो यह आपका जो होता है जीवाणु जनित रोग होता है। कैसा है यह जीवाणु, मतलब बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। यह आपका प्लांट है, मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं बॉटनी वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके ये पूरे बॉटनी से ही रिलेटेड आएंगे। इसमें आपसे पूछा जाता है प्रोटोजोआ, ठीक है बच्चा, जो किसका पार्ट है सर जी, जो जूलॉजी का पार्ट है वो आपका प्रोटोजोआ रक्त पर, सॉरी प्रोटोजोआ मलेरिया, पायरिया, पेचिस, काला जवार, सोने की बीमारी, ये सब किसके प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया है, हैजा है, टाइफाइड है आपका जो है, और कुछ TB है, ये सारे के सारे रोग किसके होते हैं, आपके बैक्टीरिया से होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सर जी, क्या बोला है कि आपका बोला है कि माइकोप्लाज्मा को किस जगत के अंतर्गत रखा गया है, और ये ऑब्वियसली आपको हर चीज़ पता है, आपको हर चीज़ मैंने बताया है, प्रोटिस्टा, मोनेरा, आपका जो है आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा जगत है। आप लोग रेगुलर रहिए बच्चा, ये मैं आपको बता दूँ डेफिनेटली कि आपका मंगायमल होगा, आपका मंगायमल। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, जो मोनेरा जी के दो जगत होते हैं, एक तो आपका आर्कोबैक्टीरिया होता है और आपका यूबैक्टीरिया होता है। राइट आंसर नोट करिएगा मेरे साथ, मोनेरा जगत होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक होता है आपका, एक तो आपको नोट करिए, मोनेरा जगत को दो भागों में इस समूह को बांटा गया है, एक तो होगा सर जी आपका आर्कोबैक्टीरिया और एक कौन सा होता है सर जी, यू बैक्टीरिया। कौन सा होता है? यू बैक्टीरिया, आर्कोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया होता है। मोनेरा का जगत के कुछ अन्य जो है समूह आपका, जैसे कि आपका एक होता है आपका माइकोप्लाज्मा, एक होता है आपका रिक्ट्रेसिया, एक कौन सा होता है आपका, ये भी नोट करेगा, एक होता है आपका रिक्ट्रेसिया और क्या होता है सर जी, और आपका एक्टिनोमाइसिटिस, ये भी होता है। तो ये काफ़ी सारे जो होते हैं इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चा। आप लोग नोट कर लिया ना, एक बार मैं पुनः रिपीट करके बता दूँ ताकि आप लोग नोट डाउन भी कर सकें। यह इसे दो भागों में बांटा है, एक तो आपका आर्कोबैक्टीरिया, कौन सा सर जी, आर्कोबैक्टीरिया, सेकेंड होता है आपका यू बैक्टीरिया, और इसके अन्य समूह अन्य भी होते हैं जिसमें से एक आपका दिया ही हुआ है माइकोप्लाज्मा, एक होता है आपका रेक्ट्रेसिया और एक होता है आपका एक्टिनोमाइसिटिस। ये ध्यान रखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटिस्टा का लक्षण नहीं है,
एक तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोटिस्टा का लक्षण नहीं है, कौन सा नहीं है। तो देखिए प्रोटिस्ट आपका प्रोकैरियोटिक होता है, प्रो फॉर प्रोटिस्ट, प्रो फॉर प्रोकैरियोटिक्स, बिल्कुल सही है। कुछ प्रोटिस्ट एक कोशिका भित्ति होती है, बिल्कुल ये भी राइट आंसर है। आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस भी मैंने बताया था। ओके सर जी, बड़ा आगे बढ़ते हैं। पोषक की विधि सौपोषी और परपोषी दोनों होते हैं, बिल्कुल मैंने आपको सौपोषी क्या होते हैं, परपोषी क्या होते हैं ये भी बताया है। और आपका शारीरिक संगठन जो है कोशिकीय होता है, बिल्कुल भी नहीं, क्या होगा बिल्कुल भी नहीं, ये तो रॉन्ग है, आपका लक्षण सही नहीं है बोला है। आप जगत प्रोटिस्टा की बात करें तो सभी जो है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक्स होते हैं। सभी क्या होते हैं सर जी, सभी जो होते हैं इसके अंतर्गत, सभी यूकैरियोटिक्स के अंतर्गत आते हैं। आपका डाइस्ट हो गया, आपका डायनोफ्लेजेला है, ये कुछ नाम होते हैं ये ध्यान रखना है। आपका सार्कोडाइन पूछा जाता है, ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं, ये ध्यान रखना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नोट करिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जगत पूर्ण निर्धारित सीमा नहीं है, प्लांटी, प्रोटिस्टा, मोनेरा, सवाल, क्या आंसर होगा बताइएगा आप लोग, क्या आंसर कर पाते हैं। प्रोटिस्टा इज अ राइट आंसर। जगत प्रोटिस्टा भिन्न भिन्न प्रकार के एक कोशिक जीव के जो है, इसमें एक कोशिक जीव यूकैरियोटिक्स जीव आते हैं। कैसे सर जी, आपके यूकैरियोटिक्स आते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, बोला गया कि प्रोटिस्टा के सदस्य मुख्यतः आते हैं। आज 40+ क्वेश्चन आप सभी के लिए। ओके साथियों, कितने 40+ क्वेश्चन सर जी। बोला है कि प्रोटिस्टा के जो है सदस्य मुख्यतः होते हैं, प्रोटिस्टा के जो है मुख्यतः सदस्य होते हैं स्थलीय, जलीय, रोगजनक और आपका प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो क्या आप लोग बता पाएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता है। तो प्रोटिस्टा में जो होते हैं भिन्न एक कोशिकीय जीव होते हैं, और जिसके अंतर्गत आपका कैसे होते हैं सर जी, जलीय होते हैं। कैसे होते हैं अधिकांश, ठीक है पर्टिकुलर सभी नहीं बोलूंगा मैं, अधिकांश जो होते हैं यूकैरियोटिक्स को होते, क्या होते हैं प्रोटिस्टा में रखा गया है, आपका जलीय होते हैं। आते जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ नोट करेगा क्या बोला है। इसमें बोला गया है कि क्राइसोफाइट्स, क्या क्राइसोफाइट्स यूगलिनाइट, आपका डायनोफ्लजलेट और आपका अपवांग कवक किस जगत में सम्मिलित है। क्या बोला है, प्रोटिस्टा, फंगाई, आपका एनिमिलिया या फिर मोनेरा, क्या साथियों बता पाएंगे। तो सभी लोग नोट करेगा कि सभी जो है कोशिकीय यूकैरियोटिक्स जो आपका क्राइनोफाइट, ठीक है तो आपको नोट करना क्राइसोफाइट्स, आपका यूग्लिनाइट्स और आपका डायनो, आपका फ्लैजेलेट, क्या सर जी डायनोफ्लैजेलेट, ये सारे के सारे प्रोटिस्टा के अंतर्गत ही रखे गए हैं। किसके अंतर्गत, प्रोटिस्टा के अंतर्गत ही रखे गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आते सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोला है कि क्राइसोफाइट्स समूह के अंदर निम्न में से कौन से जीवों का समूह आता है। बात करते हैं आपका डाइस्ट या फिर सुनहरे सवाल या फिर ए और बी दोनों ही, या फिर होगा आपका डेस्टेरॉय और आपका पैरा मिशियम, क्या होगा बच्चा बताइए, बताइए सर जी क्या आंसर हो सकता है। तो सारे साथी नोट करिएगा, सुनहरे सहवाल सम्मिलित होते हैं और ये आपका, ठीक है कौन से सहवाल सर जी, आपका डाइस्टम और सुनहरे सहवाल, तो आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है कि आपका क्राइसोफाइट्स और आपका यह क्राइसोफाइट्स का भी भाग होता है, और इसके साथ अब और एक नाम नोट करेगा बेसिलो रियोडोफाइट्स, ठीक है बेसिलो रीडोफाइट्स का भी भाग होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है, और शानदार तरीके से बिल्कुल याद तो रखना ही पड़ेगा। आते सर जी डाइस्टम सुनहरे सवाल पाया जाता है, तो आप तो बिल्कुल डेफिनेटली इस क्वेश्चन का तो कोई आंसर गलत कर ही नहीं पाया, ठीक है। तो क्या स्वच्छ जल में, समुद्री जल में, जी हाँ सर जी स्वच्छ जल में, समुद्री जल में राइट आंसर नोट करेगा मेरे साथ सी होगा, क्या होगा राइट आंसर मेरे साथ नोट करेगा सी आंसर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा कि आपका डाइस्टम और आपका डेसिटम यह स्वच्छ जल और जलीय जल में पाए जाते हैं, और ये सभी सूक्ष्मदर्शी होते हैं, मतलब यह सूक्ष्म होते हैं, हमें इसे सूक्ष्मदर्शी से देखने की आवश्यकता पड़ सकती है, और यह जल धारा को क्या करते हैं निश्चेष्ट करने के रूप में बहते रहते हैं, आपने देखा ही होगा कि ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। आगे देखिएगा बोला क्या गया है कि आपका सिलिका जेल द्वारा प्राप्त होता है, क्या बोला गया है सिलिका जेल द्वारा प्राप्त होता है, लाल सवाल, डाइस्टम, युगलिना या फिर आपका माइकोप्लाज्मा,
बताइए साथियों का आंसर होगा डाइस्टम। वे जो होते हैं सिलिका की बनी होती है और ये भित्ति आपका अनष्टकारी, कैसी अनष्टकारी होती है। तो क्या साथियों आप लोगों ने डाइस्टम आंसर लगाया क्या? डाइस्टम इस क्वेश्चन का बिल्कुल सत्य आंसर होगा और बहुत ही शानदार तरीके से आपने लगाया होगा। आगे आते हैं मेरे साथ, देखिएगा क्या बोला है कि निम्न जीवों में से किसमें कोशिका भित्ति साबुत आपका साबुतदानी की तरह दो अतिच्छादित कवच बनाती है। कितने? दो अतिच्छादित जो है बनाती है, बताइए। ओके बताइए सर जी क्या आंसर होगा। ओके देखिए डाइस्टम में क्या होता है, कोशिका भित्ति दो पतली और एक दूसरी तरह अवच्छादित होती है। तो आपको नोट करना है क्या हम लोगों ने आपका डाइस्टोम आंसर लगाया क्या। साथियों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर ए लगाए हैं तो बहुत ही बढ़िया शानदार आंसर लगाया आप लोगों ने। आते जरा नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण समूह क्राइसोफाइटा का विशिष्ट लक्षण है? समूह क्राइटोफाइट का प्रमुख लक्षण है, क्या आप लोग बता पाएंगे? यह परजीवी प्रकार के होते हैं जो कि प्राणियों से रोग पैदा करते हैं, ये सत्य है। यह प्रोटीन के आवरण में ढके रहते हैं और ये आपका पेलिकल होते हैं, नहीं सर जी दोनों तो रॉन्ग है। आगे आते हैं, इनमें सिलिका के आपका जमाव के कारण नष्ट नहीं होता है और ये भित्ति होती है, बिल्कुल ये सी आंसर बिल्कुल सत्य है। आपका क्राइसोफाइट जो होता है, क्या सर जी? जो आपका क्राइसोफाइट से समूह जो होता है इसमें कोशिका भित्ति साबुतदानी कैसी होती है? इसमें कोशिका भित्ति साबुतदानी की तरह इसकी अनुरूपता, मतलब उसके तरह आपने देखा होगा ना साबुतदाना गोल गोल वाइट वाला होता है, ठीक है। तो इसकी कोशिका जो भित्ति होती है सिलिका होती है, कैसी होती है सर जी? सिलिका होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन था, काफ़ी ज़बरदस्त आंसर आप लोगों ने लगाया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोला गया है कि आपका डाइस्टमी मादा, ठीक है, डाइस्टमी मादा जो है सभी के उपयोग में ली जाती है, ये केवल एक को छोड़कर, क्या होगा बता पाएंगे आप लोग? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बता पाएंगे, तेल के छन्ने सिरप को आपका सिरप को छानने या फिर आपका चमकाने या फिर गोबर गैस के उत्पादन में। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, डाइटमी जो है मादा धातुओं को पॉलिश या तेल तथा सिरप के निस्तारण के उपयोग में लाया जाता है। डी आंसर क्या आप लोगों का सही है? गोबर गैस की बात आई तो आपको ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड जो मेथेन होती है, मेथेन उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन तो उसका मुख्य घटक होता है और सेकंड वाला बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड। ओके देखिए नेक्स्ट की बात करें सर जी क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया कि आपका क्राइसोफाइट्स है। साथियों क्राइसोफाइट्स की बात करें तो क्राइसोफाइट्स क्या, ये सूक्ष्म जीव होते हैं। जो क्राइसोफाइट्स होते हैं ये सूक्ष्म जीव होते हैं, कैसे क्या होते सर जी? यह आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और जो है यह जलधारा को क्या करते हैं, निश्चेतित रूप में बहने देते हैं। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह आपका जो है प्लावक की तरह जो है प्लावक भी होते हैं, ठीक है, प्लांकटोन्स भी होते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो बहुत ही बढ़िया, जिन भी साथियों ने ए लगाया है ये बिल्कुल सत्य आंसर लगाया होगा। आते हैं सर जी नेक्स्ट की ओर। बोला गया कि गलत कथन का हमें चयन करके बताना है। बोला गया है कि गलत कथन कौन सा है, तो गलत कथन की बात करें तो डायबिटीज़ की भित्तियाँ जो है आसानी से नष्ट होती है। जी हाँ नहीं साथियों, आपका ए ही गलत है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ए ही गलत है। तो सही क्या है फिर? डाइस्टम जो है मादा डायबिटीज़
की कोशिका भित्ति द्वारा बनी होती है। डायस्टम समुद्र में आपका मुख्य उत्पादक है और डायस्टम सूक्ष्मदर्शी और जल के निचेष्ट के रूप में बहती है। तो डायस्टम से रिलेटेड तीन जो है जानकारी आपको पता होना चाहिए, तो ये आप लोगों को नोट करना है। चलिए मेरे साथ आगे आइएगा, क्या बोला गया है। बोला गया है कि डायनोफ्लैजेलेट्स मुख्यतः खालिस्तान और खालिस्तान होते हैं। तो क्या होते हैं सर जी, क्या आपको बताएं कि आपका डायनोफ्लैजेलेट एक पादप प्लांक है। क्या है सर जी, यह एक सर जी पादप प्लांक होते हैं, आपको नोट करना है। और इनमें जो है अधिकांश समुद्री, कैसे सर जी, समुद्री और सेकेंड प्रकाश संश्लेषी जीव आते हैं। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और काफ़ी शानदार कंटेंट है आप सभी के लिए। देखिए सर जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना मेरे साथ, क्या बोला गया है कि डायनोफ्लैजेलेट में होते हैं, डायनोफ्लैजेलेट में होते हैं दो कसाब दो लंबवत रूप से जुड़े होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। ओके साथियों आगे जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्या है कि केवल, क्या सर जी, केवल एक कसाब जो भित्ति आपका पट्टिकाओं की अनु आपका अनुप्रस्थ खाँचे में होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। केवल एक कसाब जो कि भित्ति पट्टियों की लंबवत खाँच में होते हैं, ये भी नहीं। तो राइट आंसर कौन सा हो सकता है फिर, डी आंसर कि डायनोफ्लैजेलेट। डायनोफ्लैजेलेट में जो आपका दोनों कसाब भित्तियाँ होती है और इन्हें एक होता है अनुप्रस्थ कसाब और दूसरा होता है लंबवत। एक क्या होता है, एक होता है अनुप्रस्थ और जो है सेकेंड होता है, एक अनुप्रस्थ होता है और एक होता है का लंबवत। अनुप्रस्थ की बात करें तो प्रस्थ पार प्रकाश मैंने आपको काफ़ी अच्छे से फिजिक्स में बताया है, अगर आपको थोड़ा याद हो। राइट आंसर नोट कर लिया आप लोगों ने, क्या होगा, राइट आंसर डी होगा। आज अप्रॉक्स आपको 40 प्लस ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। निम्न जो है समूहों में से किस में कोशिका भित्ति पर सेलुलोस की कड़ी पट्टियाँ होती है, बताइए सर जी अब क्या आंसर हो सकता है। डायनोफ्लैजेलेट की यहाँ पर बात हो रही है, डायनोफ्लैजेलेट में कोशिका सहायता और कठोर आवरण की आपका अवतरित होती है, मतलब इसका आवरण कैसा होता है, कठोर होता है। कैसा होता है सर जी, आवरण कैसा होता है, कठोर होता है। और ये सेलुलोज की बनी होती है, किसकी बनी होती है सर जी, आपका सेल्युलोज की बनी होती है। तो सर जी हमने डायनोफ्लैजेलेट इस क्वेश्चन का आंसर लगा है क्या, अगर हमारा डायनोफ्लैजेलेट आंसर है तो बिल्कुल सही और सत्य आंसर होगा। आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाल डायनोफ्लैज है, डायनोफ्लैजेलेट्स हैं। तो देखिए कुछ डायनोफ्लैजेलेट के मैं नाम आपको बता दूं, एक तो नोट कर लीजिएगा जिम्नो, आपका जिम्नोडियम, क्या होता है सर जी, एक मेरे साथ नोट कर लीजिएगा जिम्नोडियम। सेकेंड नोट कर लेगा आपको गोनियोलैक्स, कौन सा होता है सर जी आपका गोनियोलैक्स। उसके बाद जो है ये समुद्र में अत्यधिक मात्रा में वृद्धि करते हैं और जल को लाल कर देते हैं, तो लाल तरंगे जो होती है ये पैदा कर देते हैं, क्या हम लोगों ने आंसर लगाया है। तो एक तो आपको पता है, दूसरा आपको ध्यान रखना है कौन सर जी, दूसरा आपको जिम्नो, आपका जिम्नोडियम याद रखना है। हो सकता है अगर इस बार ये पूछा जाए तो अगली बार कोई दूसरा पूछा जाए, ठीक है ना। दोनों देखिए साथ तो सभी को नोट करना है कि जो आपका तटीय जल में लाल तरंग किसके माध्यम से उपज होती है, तो बोल जाहिर सी बात है बच्चा, अभी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों के लिए, तो गलत हो ही क्या सकता है आप लोगों से, क्या गलत हो ही क्या सकता है आप लोगों से, क्या आपने डायनोफ्लैजेलेट आंसर लगाया क्या। क्या होगा सर जी, डायनोफ्लैजेलेट आंसर बिल्कुल इस क्वेश्चन का सत्य आंसर होगा और काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों ने लगाए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चा मेरा मकसद आपको कंटेंट प्रोवाइड करना है, तो इसलिए आप लोग मेरे कंटेंट पर फोकस करें अधिक से अधिक संख्या में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटिस्ट, ठीक है, टॉक्सन मतलब विष में जो आपका मछली और अन्य समुद्री जीवों में मार सकता है, युगलिना या फिर गोनेरियोलैक्स या फिर पैरामीशियम या फिर आपका प्लाज्मोडियम, बताइए साथियों क्या आंसर होगा।
राइट आंसर बताइएगा डायनोफ्लैजेलेट की बात करें, ठीक है बच्चा, तो डायनोफ्लैजेलेट के उदाहरण कौन सा होता है आपका, गोनियोरोलैक्स होता है, गैरोनोलैक्स आपका होता है, तो राइट आंसर आप लोगों का तो बी होगा। और यह कशेरुकियों के लिए क्या होते हैं, जहरीले होते हैं। किसके लिए, जो भी कशेरुकी होते हैं उसके लिए क्या होते हैं, यह जहरीली होते हैं और ये अत्यधिक मात्रा में होते हैं। कैसे सर जी, यह अत्यधिक मात्रा में होते हैं, यह भी हमें ध्यान रखना है, यह भी हमें ध्यान रखना है। आते हैं सर जी आगे, जरा मेरे साथ नोट करिएगा कि निम्न में से कौन सा कथन युगलिना के लिए सत्य है। क्या है सर जी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन युगलिना के लिए सत्य है, बताइए। आपका युगलिनाइट्स के कसाब होते हैं, युगलिना जो कि आपका युगलिना जब आपका निरंतर जो है अंधकार में रहते हैं तब ये जो है अपनी प्रकाश संश्लेषी क्षमता को खो देते हैं और मर जाते हैं। युगलिना के वर्णक हरे पादुकों के जो है वर्णकों से अलग होते हैं और युगलिना एक जो है समुद्रीय प्रोटिस्ट होते हैं। क्या आप लोग बता पाएंगे कि युगलिना जो होते हैं एक कोशिकीय कसाबीय प्रोटिस्ट होते हैं। कैसे होते सर जी, यह एक कोशिकीय जो है कसाब होते हैं। क्या राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाया आप लोगों ने क्या। युगलिना की बात करें, युगलिना जो है स्वच्छ जल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं युगलिना जो होते हैं सर जी, स्वच्छ जल में रहते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। और प्रकाश संश्लेषी वर्णक में पर्णहरिम ए और पर्णहरिम बी, क्या सर जी आपका पर्णहरिम ए और पर्णहरिम बी भी होता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए मेरे साथ आगे बढ़ जाएंगे। चलिए ये भाई साहब चप्पल वाला भाई साहब भैया, ठीक है, ये क्या है, यह आपका चप्पल वाला भाई साहब है। क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह जीवों को दर्शाता है, मतलब ये क्या है, सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है। और अधिकतर आपको अब जो है आप लोग बच्चा ध्यान रखिएगा, अब जो है नीट का पैटर्न आपको फॉलो करने लगा है, समझ गए आप लोग। जो आपका एग्जामिनर है भाई साहब बहुत चतुर और चालाक हो चुका है, वो अब सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा आप लोगों से, अब वो नीट के लेवल के क्वेश्चन पूछेगा। आपको कथन दिया रहेगा और कथन दिया तो रहेगा और कथन के अकॉर्डिंग आपको निष्कर्ष निकालने बोलेगा। तो चतुर चालाक लोमड़ी, हम तो उसके आगे हैं सर। और आपका युगली नाइट्स जो होगा इस क्वेश्चन का सत्य आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं आगे, जरा ध्यान दीजिएगा सर, बोला गया कि पादप संपोषण जो है उपस्थित होते हैं। क्या बोला है, पादप संपोषण उपस्थित होते हैं आपका अमीबा में, पैरामीशियम में, युगलिना में या फिर आपका प्लाज्मोडियम में। तो सभी ध्यान दीजिएगा, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमने ऑप्शन नंबर सी लगाया है, क्या क्या होगा युगलिना। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सत्य आंसर है कि युगलिना में पादप पोषण होता है। कैसा होता है सर जी, इसमें पादप जो है पोषण होता है, यह हमें ध्यान रखना है। यह जो होता है युगलिनाइट्स में आपका हेलोफाइट, क्या आपका हेलोफाइट्स जो है आपका मृत जीवी होते हैं, यह भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण प्रकार के हरित लवक, ये सभी जो है इसके बिना भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अवपांग कवक, क्या बोला है, अवपांग कवक होते हैं रोगजनक या फिर आपका परजीवी, आपका परपोषी, मृतोपोषी, मृतोपोषी प्रोटिस्ट या फिर स्वपोषी होगे, ये आप लोग को ध्यान रखना है। क्या आप लोग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता पाएंगे। अवपांग कवक जो है पर्णहरिम रहित होते हैं और ये विषमपोषी होते हैं। कैसे होते सर जी, यह जो आपके अवपांग होते हैं सिंपल आपका मोल्ड जो होते हैं, ठीक है बच्चा, तो यह जो होते हैं बच्चा क्या होते हैं आपके मृतोपूर्ति प्रोटिस्ट तो होते ही है, मृतोपूर्ति प्रोटिस्ट होते हैं और अवपांग कवक जो है पर्णहरिम रहित भी होते हैं, विषमपोषी भी होते हैं, यह हमें ध्यान रखना है। चलिए काफ़ी शानदार क्वेश्चन था, आप लोग बना पाना है इसे, आपको मतलब बनाना ही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेगा मेरे साथ, क्या है कि अवपांग जो है कवक, अवपांग कवक जो है कि स्वतंत्र रहने वाली आपका थैलसकाय कहलाती है। क्या बोला है, अवपांग कवक की स्वतंत्र रहने वाली आपका जो है थैलसकाय कहलाती है, आपका प्रोटोनिमा या फिर आपका प्लाज्मोडियम या फिर आपका फलंकाय या फिर आपका कवक जाल, तो क्या आंसर होगा, जरा आप लोग बता पाएंगे।
साथियों आंसर बताइए जरा क्या आंसर हो सकता है आपका। अ जो है अकोशिकीय अपांग कवक की एक क्या होती है स्वतंत्र जीवी थैलाकाय जो आपका प्लेज्मेल कहलाती है, क्या कहलाती है प्लाज्मोडियम कहलाती है। क्या साथियों आपका राइट आंसर नोट के लिए का प्लाज्मोडियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका प्लाज्मोडियम भित्ति रहित बहुकोशिकीय होता है, एक कोशिकीय नहीं होता है, एक कोशिकीय नहीं होता है, यह बहुकोशिकीय होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, यह बहुकोशिकीय जीव द्रव्य का जो होता है बहुकोशिकीय जीव द्रव्य होता है, यह आपको ध्यान रखना है। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर की अनुकूल परिस्थितियों में आपका अपांगक कवक बनते हैं प्रोटोनिमा प्लाज्मोडियम कवक जाल या फिर आपका फलनकाय, बताइए क्या आंसर होगा। सभी लोग बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, कितना बच्चा करेक्ट लगा पाएगा। जो आपके अपांग कवक एक समूह बनाते हैं, अपांग कवक जो होते हैं एक समूह बनाते हैं जिसमें प्लाज्मोडियम होते हैं, क्या होते हैं जिसमें प्लाज्मोडियम होते हैं, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा क्या। और जो कि आपके वृद्धि कर जो आपका वृद्धि कर कई जो है फिट तक फैल जाते हैं, यह भी हमें ध्यान रखना है, तो बी आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सत्य आंसर होगा और ये आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे तरीके से लगाया होगा। आते हैं सर जी नेक्स्ट की प्रतिकूल परिस्थितियों में, क्या बोला है प्रतिकूल परिस्थितियों में अपांग कवक ए बनाते हैं जो कि आपका बी मतलब ए के स्थान पर क्या आएगा बी के स्थान पर आता क्या आएगा बताना है, और अनेक जो है वर्षों तक जिंदा रहते हैं और दिए गए कथनों को पूर्ण करना है, मतलब यहाँ पर ए के स्थान पर क्या आएगा यह बताना है। तो क्या आप लोग बता पाएंगे, क्या आप लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे कि आपका, चलिए मेरे साथ देखिए ध्यान दीजिएगा क्या ध्यान रखेंगे, तो मेरे साथ नोट करेगा आप लोग कि प्रतिकूल परिस्थितियों में अपांग कवक जो होते हैं यह होते आपके बीजाणु बनाते हैं, क्या बनाते हैं यह बीजाणु बनाते हैं स्पोर बनाते हैं और जो कि आपका उच्च प्रतिरोधी होते हैं, कैसे होते सर जी उच्च 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 प्रतिरोधी होते हैं, ये आपको बिल्कुल सही करना है। आते हैं सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोटोजोआंस होते हैं, अभी ही मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि प्रोटोजोआंस सर जी आपका विषमपोषी होते हैं, कैसे होते हैं विषमपोषी होते हैं। क्या आप लोग जो है अगर हमारा सेशन ही अच्छा लगे तो गाइस दिल से एक बार लाइक कर देना और नीचे एक सिंपल सा कमेंट्स कर देना, अगर आपको अच्छा लगा हो तो ही लाइक करना और तो ही कमेंट्स करना। चलिए देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राणियों का प्राचीन संबंध साझा जाता है। अब देखिए माई आपका माइसोफाइट्स प्रोटोजोआंस आपका युगलीनाइट्स या फिर आपका होगा अपांग कवक, बताइए क्या आंसर हो सकता है, क्या हम लोगों ने बी आंसर लगाया क्या, क्या हम लोगों का राइट आंसर बी है क्या प्रोटोजोआंस, आप सभी का आंसर आ रहा है क्या। साथियों बी आंसर बिल्कुल सत्य होगा और आप लोगों ने यही आंसर लगा पाया होगा। देखिए प्रोटोजोआंस को जो है समूह की आप समूह में आपका विभाजित किया गया है और रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द है 3 4 2 8। देखिए गमना आपको यह ध्यान रखना है कि इसका चार आंसर बिल्कुल सही आंसर है, कितना सर जी 4, कौन कौन से होते हैं जरा नोट करिएगा मेरे साथ, क्या आपका प्रोटोजोआ कसाभी प्रोटोजोआ अमीबीय प्रोटोजोआ स्पोरोजोआंस और आपका पक्षांबी प्रोटोजोआ, क्या बोला सर जी नोट करिएगा। अब देखिए एक होता है कसाभी, सेकेंड नोट करेगा आपका सेकेंड क्या होता है प्रोटोजोआंस कसाभी होता है, अमीबी होता है कैसा सर जी अमीबी होता है और क्या होता है और आपका स्पोरोजोआंस होता है और आपका पक्षांबी होता है, ठीक है चार नोट कर लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्रोटोजोआंस से संबंधित है, क्या है प्रोटोजोआंस से संबंधित है क्या आप लोग बता पाएंगे, ठीक है सर जी देखिए प्रोटोजोआंस से संबंधित है बताइएगा अमीबीय कसाभीय पक्षांबीय स्पोरोजोआंस या फिर होगा डायबिटीज अमीबीय कशेरुकी स्पोरोजोआंस, ये तो क्वेश्चन देखिएगा आपको जो चार भाग मैंने बताया है भाई साहब वही तो पूछ लिया गया इसमें। अब इसमें टफ वाला क्वेश्चन कौन सा होगा डायबिटीज अमीबीय कसाभीय स्पोरोजोआंस, आपका राइट आंसर सभी लोगों ने बी लगाया है क्या, अरे भाई साहब सभी लोगों ने बी लगाया है क्या, चलिए और जो भी क्या आंसर क्या है सही नहीं होगा, ठीक है तो ये नहीं है बच्चा
चलिए बी तो आप सभी लोगों ने लगाया है, पर बी नहीं है। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा सर जी? ऑप्शन नंबर ए होगा, ये आपका सत्य आंसर है और बिल्कुल सत्य आंसर है। ठीक है, तो बी आप लोगों ने लगाया है, बी नहीं होगा आपका ए करेक्ट है कि आपका अमीबिया, कसाबिया, पक्षाम्बिया और स्पोरोजोआंस। चलिए आगे आते हैं, जरा नोट करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अपांग जो है कवक अगुणित आपका अवगुणित होते हैं, पोटोजोआंस कसाबीय भित्ति रहित होते हैं, या फिर आपका डायनोफ्लैजेलेट जो है आपका अचल होते हैं, या युगलिना में आपका पोलिकल अनुपस्थित होते हैं। बताइए मेरे साथ क्या आंसर हो सकता है। तो प्रोटोजोआंस कसाब आपका प्रोटोजोआंस जो है कसाभी का आपका कोशिका भित्ति रहित होते हैं। प्रोटोजोआंस में क्या होते हैं? कोशिका भित्ति रहित होते हैं। क्या बी लगाए क्या? और कोशिका भित्ति पादपों का एक विशिष्ट लक्षण होती है। किसका? पादप में हमेशा कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु मतलब हम लोग, हम प्राणी जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। क्या हमारी जो परत होती है, क्या हार्ड होती है, क्या मोटी होती है, क्या ये कोशिका भित्ति समझ पा रहे हैं आप लोग क्या होती है? जो आपका पेड़ देखा है ना, उसकी छाल कितनी मोटी मोटी होती है, क्या आपकी चमड़ी इतनी मोटी है? समझ रहे हैं ना आप लोग? चलिए आप कभी भूल नहीं पाएंगे। आते सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कसा भी प्रोटोजोआंस होते हैं, तो आप लोग बता पाएंगे क्या? आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता पाएंगे सर जी? केवल आपका जो है स्वच्छद केवल परजीवी, या तो आपका स्वच्छद परजीवी, या फिर आपका मृतोपजीवी होंगे। बताइए मेरे साथ क्या आंसर होगा। चलिए, और सभी के पर्टिकुलर आंसर आना चाहिए भाई साहब, और मज़ा आ रहा होगा तो साथियों को ज़रूर बताइएगा आप लोग। क्या आप लोगों ने सर जी या तो आपका या तो स्वच्छाद या फिर परजीवी, दोनों ही आपका हो सकता है, 50-50% दोनों ही होंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कसाबीय प्रोटोजोआंस होता है? तो आपका अमीबा, आपका एंटी अमीबा, प्लाज्मो आपका प्लाज्मोडियम, या फिर आपका होगा ट्रिपोनोसोमा। आप लोग बताइए राइट आंसर, सभी लोग देखिएगा। तो साथियों जिन्होंने भी आपको आंसर लगाया है ट्रिपोनोसोमा इज द राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्या होगा? डी आंसर बिल्कुल सत्य होगा। ट्रिपोसोमास का कारण क्या होता है? अब यहाँ पर आपसे ये आंसर पूछा था, अब इसका क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बताइए ट्रिपोसोमास जो होते हैं आपका गेमी, आपका गेमियंस, गेमूसियन, आपका निद्रालु और आपका व्याधित करता है। मतलब साथियों आपका ऑप्शन ए होगा सत्य। क्या होगा? निद्रालु आपका व्याधि का ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सत्य आंसर होगा, परम सत्य आंसर होगा। और क्या यही आंसर सभी ने लगा पाया है क्या? आते हैं सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बोलते हैं समझते हैं, पैरामीशियम निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण एक जलीय और सक्रिय जो है गमन करने वाला जीव होता है? उदपाद, या फिर होगा आपका अवास्तिक जो है पादप, या फिर होगा आपका हजारों पक्षांब, या फिर आपका कसाब होगा। क्या आप लोग जो है सत्य आंसर बता पाएंगे कि पैरामीशियम सबसे बड़ा विशिष्ट संपूर्ण जो है संपूर्ण शरीर की तरह अधिक से अधिक संख्या में पक्षांब में उपस्थित होता है? क्या आपका राइट आंसर सर जी सी होगा। ठीक है, और पक्षांब को गमन और भोजन जो है पकड़ने का कार्य करता है। कौन, क्या कौन करता है? पैरामीशियम। क्या सर जी? पैरामीशियम, जिसकी आकृति चप्पल के समान होती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा समूह, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अपने जीवन काल में एक जो है संक्रामक जीवाणु सम जो है अवस्था उत्पन्न करता है? अमीबीय प्रोटो आपका प्रोटोजोआंस, या फिर आपका जो है पक्षाम्बीय प्रोटोजोआंस, या फिर कसाबीय प्रोटोजोआंस, या फिर स्पोरोजोआंस होगा। आप सभी साथियों को बताना ही है राइट आंसर क्या है। तो स्पोरोजोआंस में भी आपके भिन्न जीव आते हैं। स्पोरोजोआंस में सर जी भिन्न जीव आते हैं, और इनका जीवन काल जो होता है, या इनके जीवन काल के दौरान एक बीजाणु और सम सक्रिय अवस्था होती है। ठीक है बच्चा, तो नोट करिएगा जिन्होंने भी डी आंसर लगाए हैं, बस अब मज़ा ही आ चुका है, मज़ा ही आ चुका है। मेरे साथ बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम है आपका पक्षाम्बीय प्रोटोजोआंस, स्पोरोजोआंस, या फिर कसाबीय प्रोटोजोआंस, या फिर अमीबीय प्रोटोजोआंस है? बताइए सभी साथी, आंसर बताना है। बहुत ही शानदार जो है आपके समक्ष क्वेश्चन बोला गया है, और बहुत ही बढ़िया आंसर आप लगा रहे भाई साहब।
क्या सर जी, बहुत ही बढ़िया आंसर लगा रहे हैं कि सर जी राइट आंसर स्पोरोजोआंस होगा। आपका प्लाज्मोडियम जो होते हैं यह स्पोरोजोआंस होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा और वेरी गुड, यही आंसर आपका सत्य है। सर जी आगे देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव आपका वैज्ञानिक रूप से गलत नामित या गलत जो है नामित और गलत वर्णित है। प्लाज्मोडियम आपका फाल्सीपेरल्स एक जीवाणु प्रोटिस्ट जो कि सबसे गंभीर प्रकार का मलेरिया होता है। ट्रिप आपका ट्रिपोनोसोमान आपका गैम्बियंस जो है निद्रालु व्यवधि का परजीवी है। डाइस्टम बहुत अच्छा प्रदूषक संश्लेषक है, या फिर आपका डी आपका नाक्स्टी ल्यूमका एक जो है क्रासोफाइट्स जो कि आपका जैव उद्दीपन दर्शाता है। क्या आंसर होगा? तो सी आंसर सत्य है, क्या डाइस्टम बहुत अच्छा जो है प्रदूषक होता है, वैसे ही आपका जो लाइकेन होता है वह भी एक अच्छा प्रदूषक होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए सर जी आगे आते हैं, और आगे नहीं आते बच्चा, यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो 25 और ये 5 मतलब हमने 40 प्लस क्वेश्चन तो किया ही है, और आई होप आपका सेशन आपको बहुत ही पसंद आएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन मैंने समझाया है, एक्सप्लेन भी किया है। तो आप लोग जो है बस ध्यान में हेडफोन लगाइएगा और ध्यान से क्लास देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। मेरा मकसद आपको आपके तक कंटेंट पहुंचाना है, और ये कंटेंट आप तक जाना चाहिए, आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज के इस सेशन में आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद गाइस, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए, और समाधान स्टडी आपका हर समय सपोर्ट करेगा, हर समय ध्यान रखेगा।